सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। गुरुग्राम के खांडसा गांव में बदमाशों ने देर रात मकान की दीवार को तोड़कर कब्जा करने की कोशिश की। दीवार तोड़ने के लिए बदमाशों ने गांव के पास चल रहे नाले की खुदाई कर रहा जेसीबी चालक को हथियार के बल पर जेसीबी से जबरन दीवार तोड़ने के लिए लाया। फिलहाल ये पूरी वारदात के बाद परिवार वाले काफी डरे और सहमे हुए हैं। परिजनों को आरोप है कि बदमाश उनको लगातार धमकी दे रहे हैं और उनको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उनका पहले ही आपराधिक रिकॉर्ड है। तो फिलहाल लगातार पुलिस से वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। क्रेन चालक तो गिरफ्तार हो चुका है, ठीक है, और 164 नंबर मुकदमा इस संबंध में दर्ज किया जा चुका थाने में, जिसकी तफ्तीश एचसी राकेश द्वारा अमल में लाई जा रही है। ठीक है सर, क्या किसी के अब तक जो और भी लोगों के नाम थे अफेयर में? हाँ हाँ, उसके लिए एफर्ट चल रहे हैं, प्रयास चल रहे हैं गिरफ्तारी के लिए, और जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। परिवार का कहना है कि वो बार बार धमकी दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो एक्चुअल में और उन्होंने जो दीवार तोड़ी उस संबंध में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जो भी जो परिवार में है वो कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उन्हें पुलिस द्वारा सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा जी, पुलिस की जो सिक्योरिटी का वो है, ठीक है, वो हमारे जो अफसर हैं उनके संज्ञान में है, जो भी अगर जो भी अवेलेबिलिटी होगी। गुरुग्राम के खांडसा गांव में बदमाशों ने प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की और प्लाट की दीवार तोड़कर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम में बेशकीमती जमीन आसमान को छू रही है और इसी के चलते आपसी जमीनी विवादों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लगातार भूमाफिया बेशकीमती जमीनों पर नजर गड़ाए हुए है, चाहे वो अपने की हो चाहे पराई की हो, सिर्फ उस पर कब्जे का जुनून सवार है। साइबर सिटी में लगातार जमीनी विवाद के साथ साथ क्राइम भी पनप रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अभी तक चारों बदमाश फरार बताए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि गुरुग्राम पुलिस लगातार धमकी देकर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बदमाशों को गुरुग्राम पुलिस पकड़ पाती है और क्या उनकी सुरक्षा कर पाएगी। मामला ये है, 16/6/2019 को रात को करीबन 10:25 का समय रहा होगा। बदमाश किस्म के लोग हैं जंगूफ जंगपाल, उसका भाई है नंदकिशोर उर्फ लाला, वह भोला उर्फ दिनेश, उनके साथ एक अलीगढ़ का भी रहता है मनीष नाम का व्यक्ति है। इन सब ने मिलकर जबरन नगर निगम का काम कर रही थी जेसीबी नाले का मैन खांडसा रोड पे ही, उसको जबरन ले गए, जबरन मेरे मकान की दीवार गिरा दी। इस मामले में हमने FIR कराई है थाना सेक्टर 37 में। क्यों उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? वारदात को अंजाम देने का उनका मकसद है कि मेरे प्लॉट पर, मेरे मकान पर वो कब्जा करना चाहते हैं। मुझे लगातार धमकी आ रही है, जान से मारने की धमकी आ रही है, जो मैं पुलिस को बता भी चुका हूं। अब तक पुलिस की तरफ से मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है। क्या आप जानते हैं उन लोगों को? हाँ, उन लोगों को जानता हूँ, तभी तो मैंने उनके नाम बाय नेम कंप्लेंट दी। पहले भी कोई रंजिश है उनसे? उनसे हमारी कोई किसी प्रकार की पहली रंजिश नहीं है। उन्होंने हमें जब से धमकी देनी स्टार्ट की है, मुझे जान से मारने की धमकी देनी स्टार्ट की है, मेरे प्लॉट पे कब्जा करने की धमकी देनी मुझे स्टार्ट की है, और लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं। औरतों को भी धमकाया गया, फिर इनको तो धमकी है ही। अब दिन में तो वो लिख रहे ना, रात को लिख रहे हैं, रात को हम अपने घर चले जावे, बाद में दीवार तोड़े, मिस्त्री आवे तो लेबर डटन देना, उन्हें भगा दें। कल सारे दिन मैं यहीं पर ही रही, जब एक भी ना लिख रहा, अब परेशानी तो है ही ना, लेबर डटन दे ना बाल करने डटन दे, अब कल को का पता कोई मार भी जावे। वो आपकी गैर मौजूदगी में आते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं? दिन में हमके चक्कर काट गए, को कुतना दिखाई दिए, कोई भी देखे तो जंगलन में तो देख रहे हैं, उझक रहे हैं। क्या किस तरह की धमकियां देते हैं? मारवे की धमकी दे में खून खराबा कर देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। गुरुग्राम में विकास की रफ्तार जैसे जैसे यहाँ बढ़ रही है, वहीं विकास ने अपना पैर पसारा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर आसमानों को छूती बेशकीमती जमीन भू माफियाओं की नजरों में खटकने लगी है। ऐसे अनेकों मामले यहाँ पर बेशकीमती जमीन को हथियाने और कब्जाने के मामले बहुत सारे देखने को मिलते हैं, जहाँ खास करके ये भी देखने को मिलता है कि भाईचारे में खटास भी देखी जा सकती है। ऐसे में साइबर सिटी में बेशकीमती जमीनों पर भूमाफियों की नजर लगातार बढ़ती जा रही है और इन जमीनों को हथियाने के लिए हर तरह का खेल खेला जा रहा है, फिर चाहे अपनों के साथ धोखाधड़ी हो या फिर मौत के घाट उतारना हो। फिलहाल गुरुग्राम के खांडसा गांव में ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर बदमाशों ने प्लॉट की दीवार तोड़कर उस पर कब्जा करने की कोशिश की और परिवार वालों को लगातार डराया धमकाया जा रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि फिलहाल उनको जान का खतरा बना हुआ है, पुलिस उनकी सुरक्षा करे और उनको सुरक्षा दे, लेकिन अब देखना होगा कि चारों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, क्या उनको गुरुग्राम पुलिस पकड़ने में कामयाबी हासिल करती है या फिर नहीं। सत्य खबर के लिए गुरुग्राम से दीपा राणा की रिपोर्ट। सत्य बेबाक।